नमस्कार दोस्तों, आज हम इस पुराने तकिए कवर का बहुत ही बढ़िया सा यूज करेंगे जो आपके डेली यूज में काफी काम आएगा। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए इंच टेप को इस तरह रखेंगे, 14 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस निशान को बिल्कुल सीधा खींच लेंगे। अब इसे कट कर लेंगे। अब देखिए यहां से इसे खोल लेंगे। अब देखिए इसे यहां से कट कर लेंगे, यहां से भी कट कर लेंगे। इसी तरह से भी कट कर लेंगे। इसे अलग रख देंगे। इसे कट करके खोल लेंगे यहां से। ये देखिए दो पीस हमने कट कर लिए हैं। अब इसे लेंगे, सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे, यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। फिर इसे लेंगे, इस तरह रखेंगे, यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए अब इसे इस तरह पलटेंगे, इसमें टॉप स्टिच लगा देंगे। देखिए दो पीस हमारे रेडी हो गए हैं। अब देखिए इसके चारों तरफ बॉर्डर हो गया है। विड्थ है इसकी 16 इंच और लेंथ है इसकी 13 इंच। अब इसी साइज के आटा बैग में से मैंने दो पीस कट किए हैं और दो लाइनिंग कपड़े लिए हैं। अब सबसे पहले एक लाइनिंग का कपड़ा रखेंगे, आटा बैग रखेंगे, इसे रखेंगे। अब इसके सेंटर में सिलाइयां लगा लेंगे। देखिए दोनों पीस हमने क्विल्ट कर लिए हैं। अब एक पीस लेंगे, ये देखिए ये 16 इंच वाली साइड है, यहां से इंच टेप को रखेंगे, 5 इंच पे निशान लगाएंगे, इधर से रखेंगे, 5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब देखिए इसके लिए दो बेल्ट तैयार किए मैंने, लेंथ है इसकी 20 इंच। एक बेल्ट लेंगे, इस निशान पे रखेंगे, इसका दूसरा सिरा इस निशान पे रखेंगे, यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह इसमें भी निशान लगा के इस बेल्ट को जोड़ लेंगे। ये देखिए अब एक पीस लेंगे, देखिए यहां से रखेंगे, कॉर्नर से 2 इंच पे निशान लगाएंगे, फिर यहां से रखेंगे 2 इंच पे निशान लगाएंगे, इस निशान को 2 इंच से खींच लेंगे, इसे मिला लेंगे। देखिए 2x2 इंच का एक बॉक्स बना लिया हमने। इसी तरह इधर भी निशान लगा लेंगे। देखिए चारों कॉर्नर में हमने बॉक्सेस बना लिए हैं 2x2 इंच के। अब इन्हें कट कर लेंगे। ये देखिए चारों बॉक्सेस हमने कट कर लिए हैं। अब इसे इसके ऊपर रखेंगे। अब एक सिलाई यहां से यहां तक लगा लेंगे, एक सिलाई यहां से यहां तक लगा लेंगे और एक सिलाई यहां से यहां तक लगा लेंगे। ये देखिए अब इस कॉर्नर को पकड़ेंगे, यहां तक सिलाई लगा लेंगे, फिर इस कॉर्नर को पकड़ेंगे, यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। देखिए अब इसे अलग रख देंगे। अब देखिए सेम साइज के दो कपड़े के क्विल्टेड पीस मैंने और तैयार किए हैं। लेंथ है इसकी 16 इंच, विड्थ है इसकी 1.5 इंच। अब देखिए मैंने एक चैन ली है, चैन में मैंने दो हुक पहले से डाल दिए हैं। चैन की सीधी साइड नीचे तरफ रखेंगे, यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए अब कपड़े को नीचे की तरफ करेंगे, इसमें टॉप स्टिच लगा देंगे। ये देखिए अब इसे लेंगे, इस तरह रखेंगे, यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए अब इसमें भी टॉप स्टिच लगा देंगे। ये देखिए अब इसे इस तरह फोल्ड करेंगे बराबर। अब एक सिलाई यहां से यहां तक लगा लेंगे और एक सिलाई यहां से यहां तक लगा लेंगे। ये देखिए अब इसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए इसे अलग हटाएंगे। अब इसे लेंगे, इसे लेंगे, देखिए इस सिलाई को इस सिलाई से मिलाएंगे, यहाँ पे एक और पिन लगा लेंगे। और देखिए इस सिलाई को इस सिलाई से मिलाएंगे, यहाँ पे भी एक और पिन लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ से पकड़ेंगे, सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह घुमाते हुए, पूरे में यहाँ से यहाँ तक, पूरे
पूरे में सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए अब यहाँ से चैन को खोल के पलट लेंगे। ये देखिए अब इस कपड़े को अंदर की तरफ करेंगे। अब देखिए इस तरह पकड़ेंगे, इसकी पूरी गोलाई में किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह हैंडल को ऊपर की तरफ करते हुए पूरी गोलाई में किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए हमारा खूबसूरत सा बैग बनकर बिल्कुल रेडी है। ये देखिए अब से बंद कर लेंगे। ये देखिए हमारा खूबसूरत सा बैग बनकर बिल्कुल रेडी है।